बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी मुख्तलिफ वन पेपर और डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम्स जो भी CSS PMS की पैटर्न पे होते हैं या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या PPSC के जनरल रिक्रूटमेंट बेस्ड होते हैं उनकी ऑनलाइन तैयारी www.harvardacademy.com पे ऑफ़र करते हैं और ये कोर्स की फॉर्म में होते हैं। इसी तरीके से अब जो हमारा सेशन चल रहा है उसका हिस्सा रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 हमारा चल रहा है और आज का हमारा लेक्चर नंबर 25 है। अच्छा, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले दो चीज़ों का फ़र्क समझना आपको ज़रूरी है। एक होती है मोशंस, एक होती है रेजोल्यूशंस। मोशंस मूव से निकला है कि कैबिनेट का कोई मेंबर है या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके हायरार्की में से कोई अगर एक मूव करता है अपने किसी एक्शन को कि उसको कानूनी शक्ल दी जाए या उसकी अथॉरिटी अथोराइज़ किया जाए या उसको प्रॉपर एक जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस से गुजार के एक कानून की शक्ल में दिया जाए, तो ये एक मेंबर की तरफ से होता है, इसको कहते हैं मोशन। और रेजोल्यूशन जो होता है कोई भी एजेंडा है लेकिन वो रिटन फॉर्म में होगा। मोशन जो है वो वर्बली भी हो सकती है जबकि रेजोल्यूशन रिटन होती है स्टेटमेंट, और इसमें ज़्यादातर कैबिनेट के मेम्बर्स को सबका इत्तेफाक करना लाजमी होता है। तो ये मोशन और रेजोल्यूशन का समझना मैं ज़रूरी, मैं एक दफ़ा ज़रा यहाँ से आपकी इसकी डेफिनेशन भी शेयर कर लेता हूँ। सिंपली पुट, मोशंस आर प्रपोजल्स। ये क्या है? प्रपोजल्स हैं कि अब देखें, किसी से कहा जाए कि आपने ये एक टास्क है वो कंप्लीट करना है, तीन बंदे हैं, हर बंदा अपना अपना ऑप्शन देगा कि ये मेरा प्रपोजल है कि इस तरीके से इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए विद द एम ऑफ मेकिंग द मेम्बर्स ऑफ द मीटिंग डेलीब्रेट ऑन द इशू एट हैंड। कि प्रपोजल देना और जो बाकी पांच लोग आप बैठे हुए हैं उनमें से कोई एक प्रपोजल देता है कि जी हमने ये काम करना है, इस तरीके से क्यों ना किया जाए। बाकी उससे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आपकी कोशिश क्या होती है उस प्रपोजल से वो एग्री करें। मोशंस आर प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर्स दैट मोर ऑफन दैन नॉट नीड्स अ सेकेंडर बिफोर द बोर्ड कैन डिबेट ऑन द इशू एंड कंसिडर वोटिंग फॉर अ डिसीजन। कि अगर वो काबिल डिस्कशन हो तो उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है और उस पर डिस्कशन होती है। और मोर ओवर इट इज़ नॉट required that a motion be put down in writing। ये writing में होना ज़रूरी नहीं है, it can be done so verbally भी हो सकता है। lastly motions are well accepted as decisions of the board and does not reflect that of the whole organization। ये board का एक फैसला होता है ना कि पूरी organization का होता है, और इसका written में होना ज़रूरी नहीं। अब आ जाता है resolution का, देखते हैं कि resolution क्या होती है। अच्छा, resolution on the other hand is a motion that has been passed by the members of the meeting of the board of director, technically a motion that is passed by majority of the members presented and voting becomes a resolution। yani ki ek do logon ka agenda hai, point hai, usko hum motion kahenge, lekin sare usse agree karte hain ya zyada tar ittefaq karte hain to usko resolution karte hain, ya it is the formal act that is implemented and is binding of the board's मेंबर्स, यानी कि बोर्ड के मेंबर्स की तरफ से वो बाइंडिंग हो जाता है। तो अब यहाँ पे आपको जब मोशन और रेजोल्यूशन की डेफिनेशन का समझ आ गई होगी, तो इस लेक्चर में आने वाले जो बार बार मोशन और रेजोल्यूशन का जो वर्ड है वो कंफ्यूज नहीं करेगा। और इससे भी पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका डिफरेंस भी शेयर कर देता हूँ। अ मोशन इज़ अ प्रपोजल फ्राम अ मेम्बर ऑफ द मीटिंग वेयर एज रेजोल्यूशन रिफ्लेक्ट्स द जनरल ओपिनियन ऑफ द बोर्ड। यानी कि ये एक फ़र्द जो पेश करता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसको प्रपोजल कहते हैं, और जो जो बोर्ड है उसकी जनरली जो रिफ्लेक्ट करता है यानी कि सबकी ओपिनियन वही हो तो उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। जनरली स्पीकिंग नॉट ऑल मोशंस कैन बी रेजोल्यूशन बट ऑल रेजोल्यूशन कम फ्रॉम मोशन। यानी कि जो मोशन जो है वो पहली स्टेज है और रेजोल्यूशन अगली स्टेज है। जो भी रेजोल्यूशन होगी वो मोशन की स्टेज से गुजर के गई होगी, और जो भी मोशन होगी वो ज़रूरी नहीं है कि रेजोल्यूशन की स्टेज तक पहुँची हो, क्योंकि रेजोल्यूशन मिच्योर स्टेज की जो डिसीजन है। अगली अगर डिफरेंस देखें, इमोशन कैन बी पुट फॉरवर्ड वर्बली वेयर एज द रेजोल्यूशन इज़ रिटन डाउन एंड रिकॉर्डेड। यानी कि इसका रिकॉर्ड होना या रिटन स्टेटमेंट में होना रेजोल्यूशन के लिए ज़रूरी है, जबकि मोशन वर्बली हो सकती है। तो ये डिफरेंस भी आपको अब आइडिया हो गया होगा। अब आ जाता है कि लास्ट टाइम हमने बात की थी कि प्रेजिडेंट के पास जब कोई बिल जाता है प्रेजिडेंट उसकी एसेंट दे देता है। अब यहाँ पर मैं रूल 42A की बात कर रहा हूँ।
तो अगर प्रेसिडेंट उसकी जो जो मंजूरी है वो दे दे, ठीक है, अदरवाइज उसको जो बिल जाए उसके किसी हिस्से पे रिकंसिड्रेशन के लिए पार्लियामेंट को लिख सकता है, यानी मजलिस शुरा को कह सकता है कि इसको रिकंसिडर किया जाए। तो रिकंसिडर करने के बाद अगर जॉइंट सिटिंग कॉल की जाए और उसको पास कर लिया जाए तो सदर के पास भेज दी जाता है एसेंट के लिए, और सदर को 10 दिनों के अंदर अप्रूवल देना होती है। अगर सदर 10 दिनों के अंदर अप्रूवल नहीं देता तो वो ये समझा जाएगा कि वो उसकी मंजूरी हो गई है। तो रिकंसिडरेशन ऑफ बिल बाई मजलिस शुरा, जिसको हम पार्लियामेंट कहेंगे, व्हेन द प्रेसिडेंट हैज़ रिटर्न अ बिल टू द मजलिस शुरा पार्लियामेंट, इट शैल बी कंसिडर्ड बाई द मजलिस शुरा, यानी कि पार्लियामेंट उसको कंसिडर करेगी किस में, इन जॉइंट सिटिंग एंड इफ़ इट इज़ पास्ड बाई द वोट्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द बोथ हाउसेज प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो भी हाजिर हूँ वोट देने के लिए उनमें से अगर मेजॉरिटी में वोटिंग हो जाती है तो फिर ये मंजूर हो जाता है। इट शैल बी डीम्ड फॉर द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव बिन पास्ड बाई बोथ हाउसेज एंड शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेजिडेंट। तो और ये इसको ये समझा जाएगा कि असम्बली और सैनेट दोनों से ये पास हो चुकी है, एंड द प्रेजिडेंट शैल गिव हिज एसेंट विद इन 10 डेज, 10 दिनों के अंदर उस पर अपनी मंजूरी देगा। फेलिंग विच सच एसेंट शैल बी डीम टू हैव बिन गिवन, अगर वो 10 दिनों के अंदर साइन नहीं होते तो ये समझा जाएगा कि उसकी मंजूरी ऑटोमेटिकली हो गई है। अब आ जाती है यहाँ पे रेजोल्यूशन। व्हेन एन ऑफिशियल रेजोल्यूशन इज़ टू बी मूव्ड इन द असेंबली, यानी कि असेंबली के अंदर जो यहाँ पे रेजोल्यूशन का अगर मतलब आपने यहाँ पे और मोशन का मतलब समझना है तो कैबिनेट के मेंबर्स की देख लें कि यानी कि आप वो समझ लें कि एक बोर्ड है तो उसके कितने मेंबर्स उससे एग्री करते हैं रेजोल्यूशन, और उसको असेंबली की तरफ भेजने के लिए अगर सारे एग्री हैं तो वो रेजोल्यूशन होगी द सेनेट और द जॉइंट सिटिंग, यानी कि उसको आप असेंबली में भेज रहे हैं, सेनेट में भेज रहे हैं या जॉइंट सिटिंग में भेज रहे हैं। द डिवीजन कंसर्न शैल वेयर टाइम परमिट्स कंसल्ट द लॉ एंड जस्टिस डिवीजन एंड ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट से अप्रूवल लेगा उस रेजोल्यूशन की जो असेंबली में भेजनी है, लेकिन उससे पहले जो कंसर्न डिवीजन है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, कोई भी है, तो वो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन को भेजेगी, लॉ एंड जस्टिस डिवीजन कैबिनेट से अप्रूवल लेगा और फिर अप्रोप्रिएट जो भी सेक्रेटेरिएट है उसको भेजा जाएगा ताकि वो उसके प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेने के बाद असेंबली में भेजे। बिफोर फॉरवर्डिंग द रेजोल्यूशन विद अ नोटिस साइंड बाय द मिनिस्टर टू द सेक्रेटरी ऑफ द अप्रोप्रिएट सेक्रेटेरिएट, यानी कि उसके ऊपर एक नोटिस भी अटैच किया जाएगा जिस पे मिनिस्टर के साइन होंगे और फिर अप्रोप्रिएट सेक्रेटेरिएट को भेजा जाएगा जो रेजोल्यूशन पास करवानी। प्रोवाइडेड दैट नो सच रेजोल्यूशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द अप्रोप्रिएट सेक्रेटेरिएट अनटिल द प्राइम मिनिस्टर हैज सीन इट, के जब अप्रोप्रिएट सेक्रेटेरिएट को आपने भेजना है तो कैबिनेट को हेड करने वाला कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर को वो दिखाना ज़रूरी है। अगर प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं है तो जब उसको फुर्सत मिले तो वो दिखाना लाजमी है। इफ़ ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट द कैबिनेट मीटिंग और वेयर देयर वॉज नो टाइम टू कंसल्ट द कैबिनेट, या फिर कैबिनेट की जहाँ पे वो कैबिनेट की जो एसेंट है कैबिनेट कंसल्ट नहीं की गई और प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल वहाँ पे ज़रूरी है, और प्राइम मिनिस्टर अगर मौजूद ना हो तो फिर लेटर ऑन से सीन करवा के अप्रूवल लेना लाजमी है। ऑफिशियल रेजोल्यूशन मे बी फॉर द रेटिफिकेशन ऑफ एन इंटरनेशनल कन्वेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेचुटरी बॉडी, डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी ऑन ए मैटर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट एटसेट्रा, जो भी हो। अब आ जाता है सब रूल 2 ऑन रिसीट ऑफ नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन। एक तो ऑफिशियल रेजोल्यूशन है जो ऑफिस पर्पज़ के लिए होती है और नॉन ऑफिशियल होते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के रेलिवेंट होती है। तो ऑन रिसीट ऑफ नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन फ्राम द अप्रोप्रिएट सेक्रेटेरिएट द डिवीजन कंसर्न शैल एग्जामिन इट्स कंटेंट्स एंड व्हेन द रेजोल्यूशन इज एडमिटेड फॉर डिस्कशन ओबटेन द ऑर्डर ऑफ द कैबिनेट इफ टाइम परमिट्स, बट द ऑर्डर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर शैल इन एनी केस बी ओबटेन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के साइन या फिर उसके अप्रूवल लाजमी है, कैबिनेट के साइन आप लेते हैं यानी कैबिनेट के अप्रूवल अगर टाइम आपके पास हो तो लाजमी है, ले लेनी चाहिए, अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल लाजमी इन एग्जामिनिंग द रेजोल्यूशन। और ये कब मामला होगा, नॉन ऑफिशियल मामला है। नॉन ऑफिशियल का मतलब है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के रेलिवेंट को मामला होते हैं किसी मिनिस्ट्री, जिस तरह के इंटीरियर मिनिस्ट्री उसके कई सारे मामला होते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के मामला पे कोई कानून साजी की ज़रूरत होती है। इन एग्जामिनिंग द रेजोल्यूशन द डिवीजन कंसर्न शैल कंसिडर जो वेदर द डिस्कशन ऑफ द रेजोल्यूशन और एनी पार्ट देयर ऑफ वुड बी डिटरमिनेंटल टू द पब्लिक इंटरेस्ट एंड इफ सो इट शुड पॉइंट दिस आउट
विद रीज़न इन इट्स कमेंट्स ऑन द रेजोल्यूशन, कि रेजोल्यूशन में अगर ये देखा जाए कि कोई डिसीजन ज़रूरी है, अगर वो डिसीजन ना लिया गया तो ये आवाम के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, तो ये उसमें कमेंट्स में ऐड किया जाएगा। अब आ जाता है सब रूल 3, द डिवीजन कंसर्न शैल प्रिपेयर रिगार्डिंग ईच रेजोल्यूशन वेदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल ए ब्रीफ फॉर द यूज़ ऑफ द मिनिस्टर। ये यहाँ पे बात समझना ज़रूरी है कि अगर आपकी रेजोल्यूशन ऑफिशियल है या नॉन ऑफिशियल है, दोनों मामलात में जो कंसर्न डिवीजन का मिनिस्ट्री का इंचार्ज होगा जो कि मिनिस्टर है गवर्नमेंट लेवल पे, उसके लिए ब्रीफ नोट तैयार करना किसका, कंसर्न डिवीजन का काम है, और ये वो काम करती रहेगी वक्तन फवक्तन जब भी कोई इस तरह का मामला आएगा। अब सब रूल 4 आता है, आफ्टर रेजोल्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड द एप्रोप्रिएट सेक्रेटरिएट शैल फॉरवर्ड इट टू द डिवीजन कंसर्न फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन। अगर उस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है तो एप्रोप्रिएट सेक्रेटरिएट कंसर्न डिवीजन को बता देगा कि आपकी रेजोल्यूशन जो है उसको इत्तेफाक कर लिया गया है। अब आ जाती है मोशन, मोशन जो कोई भी इनिशिएट कर सकता है, और कैबिनेट के मेंबर्स की अगर बात करें तो एक मेंबर भी उसको प्रपोजल ऑफर कर सकता है। सब रूल 1 कहता है द डिवीजन कंसर्न शैल सबमिट एन ऑफिशियल मोशन। अब यहाँ पर देखें, वो मिनिस्टर जो कैबिनेट का हिस्सा हो वो उस कंसर्न मिनिस्ट्री का इंचार्ज भी हो सकता है, तो वो एक बीइंग ए फर्द अपना प्रपोजल पेश कर सकता है डिवीजन की तरफ से टुगेदर विद द नोटिस। नोटिस किसके लिए हुआ, टू द मिनिस्टर इंचार्ज एंड आफ्टर ही हैज़ साइंड इट शेल फॉरवर्ड इट टू द एप्रोप्रिएट सेक्रेटरीट। यानी कि वो एक उसके मिनिस्टर इंचार्ज के लिए जो ब्रीफ भी तैयार कीजिएगा, एक नोटिस होगा, वो साइन करने के बाद ये समझा जाएगा कि ये मोशन जो है ये एक फर्द की तरफ से इनिशिएट किया गया है और कैबिनेट में पेश किया जाएगा। नोट क्या है, ऑफिशियल मोशंस मे बी फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू अ स्टैंडिंग कमेटी और स्टेचुटरी बॉडी रेजिंग डिस्कशन ऑन ए पार्टिकुलर मैटर। अब यहाँ पर बात यह है कि ये मामला अगर मोशन का है और मोशन ऑफिशियल पर्पज़ के लिए है, तो उसकी हो सकता है कि स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स की इलेक्शन का पर्पज़ हो, उसके इलेक्ट मेंबर्स किए जाएंगे जो फर्दर इस पूरे मामले को लेके चलेंगे। इसके बाद आ जाता है सब रूल 2, ऑन द रिसीट ऑफ नॉन ऑफिशियल मोशन फ्रॉम द अप्रोप्रिएट सेक्रेटरीट द डिवीजन कंसर्न शैल कंसीडर वेदर द डिस्कशन ऑफ द मोशन और एनी पार्ट देयर ऑफ वुड बी डिटरमेंटल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आ जाता है नॉन ऑफिशियल के लिए, अगेन वही बात है कि जो कंसर्न डिवीजन है मिनिस्ट्री है वो ये देखेगी कि नॉन ऑफिशियल मोशन हम जो मूव कर रहे हैं उसके क्या खतरनाक नतीजे हासिल या सामने आ सकते हैं अगर उसको फॉरन से कोई डिसीजन ना लिया जाए। सब रूल 3 कहता है, इफ़ द डिवीजन ऑफ इज ऑफ ओपिनियन दैट डिस्कशन ऑफ ए मोशन और एनी पार्ट देयर ऑफ वुड बी डिटरमेंटल टू द पब्लिक इंटरेस्ट और दैट द मोशन और एनी पार्ट देयर ऑफ इन्वॉल्व एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी विच रिक्वायर्स द ऑर्डर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि अगर उस पर डिस्कशन की जाए या ज़्यादा टाइम लिया जाएगा तो वो आवाम के लिए नुकसानदेह होगा, इससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल ले ली जाए और उसको फ़ौरन से पास करवाया जाए। और द कैबिनेट अंडर दीज रूल इट शेल एज सून एज पॉसिबल बी एडमिटेड सबमिट द केस फॉर द ऑर्डर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि अगर कैबिनेट को आप स्किप करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल लेना ज़रूरी है। एज द केस मे बी द कैबिनेट एंड शेल इन डूइंग सो स्टेट द रीज़न फॉर होल्डिंग सच ओपिनियन, और ये भी बताएंगे कि ये जो प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल एंड कैबिनेट से, तो जो वो नोटिस अपना एक अटैच करेंगे उसमें अपनी ओपिनियन का इजहार भी कंसर्न डिवीजन करेंगे। द डिवीजन कंसर्न शैल प्रिपेयर रिगार्डिंग ईच मोशन वेदर ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल ब्रीफ फॉर द यूज़ ऑफ मिनिस्टर। ये पहले भी बात हो चुकी है कि अपने मिनिस्टर के लिए कंसर्न डिवीजन ब्रीफ एक तैयार करेगी आफ्टर ए मोशन हैज़ बिन अडॉप्टेड। अब ये मोशन को अडॉप्ट कर लिया गया एट द अप्रोप्रिएट लेवल जो कैबिनेट का फोरम है, द अप्रोप्रिएट सेक्रेटरीट शैल फॉरवर्ड इट टू द डिवीजन कंसर्न फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन। यानी कि वो कंसर्न डिवीजन को बता देगा कि आपकी रेजोल्यूशन या मोशन जो है उसको अडॉप्ट कर लिया गया है, तो वो रेलिवेंट जो भी उस पर एक्शन फर्दर लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट।